समाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है और एक इम्पैक्ट खड़ा किया है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पावर ऑफ वन नाम देने का मकसद ये था कि ये भी हमारे जैसे ही इंसान है उनके भी दो हाथ है उनके भी दो पैर है लेकिन उन्होंने जो किया है उनके जो जर्नी है उनका जो सपना है उसकी वजह से आज वो पहचाने जाते हैं उसकी वजह से उन्होंने अपनी पहचान खड़ी की है तो वी बिलीव कि हर एक इंसान के अंदर ये पोटेंशियल होता है और ये जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना आज बहुत सारे लोगों का सपना बन गया है इट इज वन पर्सन सीज द ड्रीम ऐसा ही शुरुआत होती है एंड इट हैज बिकम द ड्रीम ऑफ मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उन्होंने कुछ चेंज लाया है सो so ऐसी बहुत सारी शख्सियत से हम मिलेंगे ये पावर ऑफ वन के सेशन uh, में और uh, ये जो सेशंस है इसका पर्पज आप सभी को पता ही होगा लर्निंग का पर्पज है और ये जो जर्नी उनकी रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है ऐसे सभी जो गेस्ट होंगे वो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जिनकी वजह से सोसाइटी में एक मूवमेंट चली हो एक आ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इम्पेक्ट आया हो वो पर्पज है हमारा आज के सेशन का और ये कहानी जो उनकी है हम उन, उनके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा जाता है बहुत सारा आ, हमने पढ़ा होगा शायद हमारा पोस्टर पढ़ा होगा लेकिन वट मेक्स अ पर्सन हम ऐसा मानते हैं कि अगर सोसाइटी में चेंज आता है तो वो सबसे पहले इंसान के दिल में आता है जो गांधी जी ने कहा है कि बी देंज दू विश टू सी इन द वर्ल्ड सो फर्स्ट देंज कम्स इन दार्ट ऑफ दर्सन एंड चेंज इज रेप्लीकेटेड आउटसाइड सो दर्पज बिहाइंड टूडे वेट वी गेट टू नो द जर्नी ऑफ द पर्सन नॉट ओनली द एक्सटर्नल जर्नी उन्होंने क्या काम किया कितने लोगों तक पहुंचे लेकिन उनके अंदर क्या चैलेंजेस हुए

एंड वॉम वेलकम टू एवरीबडी हुज स्टूडेंट इन टूडे और उनकी जो जर्नी रही है हमारे दोस्ती है अशरफ उनका और ओसिस का जो काम है वो बहुत ही क्या बोलता है कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा बोल सकते हैं हाँ so, सो उनकी जो जर्नी रही है उनका जो सफ़र रहा है उसके बारे में मेरी दोस्त टीना है सो प्लीज़ कैन यू टीना कैन यू प्लीज गाइडस कैन यू प्लीज हेट टू नो मोर अबाउट अशरफ थैंक यू थैंक यू जय थैंक यू सो मच एंड सभी को नमस्कार हेलो एवरीवन सो जैसे कि जय ने कहा आज नॉर्मली uh, हम हमेशा Oasis के सेशंस में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है स्पेशली खासकर समाज के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है सो so, आज की भी हमारी गेस्ट अशरफ पटेल एक अमेजिंग ह्यूमन बींग है जिनको आप सब कई लोग जानते हैं उनके बारे में जैसे जय ने कहा बहुत कुछ इंटरनेट में लिखा गया है सोशल मीडिया में बहुत कुछ सबने पढ़ा भी होगा लेकिन आज की हमारी बातचीत के दौरान वी आर वेरी एक्साइटेड टू गेट टू नो हर जर्नी ऑफ लाइफ दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट फॉर अस सो जस्ट फॉर हमारे ऑडियंस में जो यंगस्टर्स हैं उनकी बेनिफिट के लिए मैं अशरफ का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी सो uh, so, अशरफ ने 1993 में अपने दोस्तों के साथ प्रवास संस्था की शुरुआत की थी फिर उसके बाद उन्होंने एक कम्यूटनी यूथ कलेक्टिव की भी शुरुआत की और दोनों संस्थाओं ने सोशल uh, इश्यूज के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है

और एक अमेजिंग बुक भी लिखी है ओशन इन अ ड्रॉप इनसाइड आउट यूथ लीडरशिप सो दैट्स शी इज अ ऑफ दैट बुक सो हार्ट वार्मिंग वेलकम टू यू अशरफ फ्रॉम द एंटायर ओएसएस फैमिली थैंक यू फॉर गिविंग हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आप हमारे पहले गेस्ट हैं जैसे जय ने बोला हमारा ये स्पेशल सेशन है पावर ऑफ वन Mm -hmm. Your dreams matter if you you dare to live. Thank so So much Tina and Jay, and Jay everybody here here. in the Oasis movement. Uh, Shiva also for bringing me here. So, बहुत -बहुत शुक्रिया। आप लोग सब एक तो आए हैं क्योंकि ये एक मुलाकात है मेरे लिए भी नई मुलाकात और मुझे लगता है ये एक जमघट है एक बारी uh, बातचीत शायद पूरी मतलब इट्स नॉट के हम लोग सब साथ में बात कर रहे हैं कुछ ज्यादा बात शायद मेरे से हो रही है बट मुझे लगता है ये शुरुआत है और यहाँ से हम लोग आगे ले जाएंगे आ, मेरे बार आपने कहा दो तीन मिनट में हम क्या करते हैं ना मोटा मोटा आ, आ, सारा जो मेरा हमारा काम रहा है मेरा कुछ नहीं रहा वैसे हम सब हैं इसमें बहुत सारे लोग और हमेशा किसी के साथ ही रहा है तो ये जो सारा हमारा काम जिस चीज पे हम काम करते हैं वो यूथ लीडरशिप जिस तरह से ये फिल्म ने बताया बेसिकली हर व्यक्ति आ, के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक न्यूटनी जिसको हम कहते हैं के अंदर एक revolution या एवोल्यूशन आए और वो एवोल्यूशन जब आ सकता है जब हम समाज में काम करें वॉलंटियर करें एंगेज करें और समाज में समझें कि समाज में क्या हो रहा है और उसको अपने साथ जोड़ें तो दिस दिस मेन एफर्ट सब जगह जो हम करते हैं मेनली क्या है कि खुद को और समाज को दोनों को एक जर्नी सेल्फ टू सोसाइटी एंड बैक में जोड़ने का काम है हमारा और ये मोटा मोटा युवाओं के साथ भी है यूथ वर्कर्स के साथ भी है यूथ लीडर्स के साथ और संस्थाओं के साथ और उसके अलावा हम लोग खुद हम में भी खुद तो इट्स नॉट कि भाई केवल युवाओं के साथ है, जो भी इसमें जुड़ा है चाहे पेरेंट्स जुड़े हैं टीचर्स जुड़े हैं उनके साथ भी यही जर्नी। so so so, okay, uh, yeah. uh, answers, एक uh, सभी के लिए एक पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा जो भी ऑडियंस में जुड़े हैं आपकी स्क्रीन पे एक पोल पोल आएगा अभी तो थ्री सिंपल क्वेश्चन आंसर दिस questions सो uh, uh, so that वी कैन आप कर लीजिए सभी लोग ताकि हम आगे उनकी जर्नी सुन सके Okay, so most of you have responded. Thank you so much for your responses. So, yes, we can go ahead with the questions and answers. Please uh, continue, Okay, thanks, Jay. Thank you. Yeah. Okay, so, you know, Ashraf, in OSS, we have a very different style of interaction. Uh, many from the audience who have, you know, we've done these workshops in the past, it's called L3 workshops and they are aware of this so i think today's session we'd like to begin with those uh, simple questions mm -hmm. uh, but very very important ones mm -hmm. uh, first being uh, what is your happiest moment or the most satisfying moment in your life it could be known to people or unknown to anybody as well it could be something which nobody knows you know but when you look back, uh, it's something that uh, remains in your heart and it's something that brings a smile to your face. Whenever you think about that, what is that moment or experience in your life? If you can just uh, maybe take a moment to think about it and yeah. let us know, would yeah. I mean, be awesome. Yeah, you can reflect कि okay. सो so, हम लोग इतने ओल्ड है ना मैं इतनी ओल्ड हूँ कि बड़ा मुश्किल है ये पूरी जर्नी में जाना बट इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछा नहीं है शायद मुझे किसी ने बट मुझे लगता है कि ये आ, आ, बहुत सारे मतलब लकी हैं समाज में इतना सारा कुछ हो रहा है हम लकी भी हैं कि बहुत सारे प्रिविलेजस भी रहे हैं मुझे तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे भी अनुभव रहे हैं बट जो आपने कहा सैटिस्फाइंग मोमेंट मैं आप शायद एक एक ले लेती हूँ हाँ एक ले लेती हूँ थोड़ा काम से रिलेटेड है बट काम और पर्सनल सेम चीज है मेरे लिए तो जब हमने सबसे पहले हमारी सबसे पहले एक वर्कशॉप हमने करी थी जब हमने डिसाइड किया था कि हम ये बच्चों यूथ के साथ और या डॉलेसेंस के साथ आ, वायलेंस पे बात करना चाह रहे हैं ठीक है तो हमने एक वर्कशॉप करी थी आ, सबसे पहले हमारी वर्कशॉप थी रामजस स्कूल यहाँ दिल्ली में है आरके पुरम में ऐसे ही किसी की जान पहचान थी वो प्रिंसिपल हमें मिले उन्होंने हमने कभी ये काम नहीं किया था और हमें करना था हमें यूथ के साथ बात करनी थी हमें लगा कि हमें कुछ करना है ये वायलेंस की जो समाज में हो रही और उस वर्कशॉप में के स्टूडेंट्स के साथ था सबसे पहले हमारा डिजाइन सबसे उसमें हमने म्यूजिक थिएटर एनालिसिस uh, uh, मतलब जो भी जिस पूरा जो ग्रुप था उनके सारे जो टैलेंट्स थे ना वो सब हमने बना के कुछ मिश्रण करके हमने ऐसे ही बैठ के दोस्तों ने एक वर्कशॉप डिजाइन करी और हमने कहा ये स्टूडेंट्स के साथ मजा आएगा और वो समझेंगे भी इश्यूज और मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था क्योंकि तीन दिन के दौरान हमें भी नहीं पता था कितनी नीड है कितना यंगस्टर्स बात करना चाहते हैं ये इश्यूज के बारे में खुद के बारे में समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें भी नहीं पता था कि ये इतनी नीड है और वर्कशॉप के एंड में सबसे पहली वर्कशॉप थी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने बोला ये सब जो चीजें हमने क्लास में डिस्कस करी हैं आपकी वर्कशॉप में ये हमारे दिल में इतनी बैठी हुई थी इतने सालों से हम mm. ये बातें अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाए तो uh, uh, मुझे लगा कि कि मतलब 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 बहुत ही मतलब एक एक मोमेंट था ओके वी वी आर नीड टू डू दिस वो तब तब बना के हमको ये करना ही है उस समय हम कोई संस्था वंस्था नहीं थी वी वर जस्ट वॉलंटियरिंग आई थिंक फॉर इट वॉज वेरी सैटिस्फाइंग टू नो दैट वी द वर्ल्ड टू को क्रिएट इन वर्ल्ड थैंक यू सो मच दैट वॉज अ ब्यूटिफुल शेयरिंग अब अगर मैं आपसे एक अगला सवाल पूछू जो की आपको फ्यूचर में ले जाता है थोड़ा बहुत कि आपका जो सपना रहा है प्रवाह और कम्यूटनी को फाउंड करने में अः वो आपका क्या सपना रहा है वॉट इज दैट ड्रीम देट यू कैरी इन योर आईज आपका क्या सपना है आई थिंक बात uh, मेरे साथ बार बार गोल गोल में ही पहुंच जाती है मैं तो चाहती हूँ कि हर हर इंसान uh, ये जो हमने दरारे खड़ी करी है ना बाउंड्रीज बिटवीन पीपल चाहे वो हमारे मजहब से रिलेटेड है हमारे कास्ट से रिलेटेड है हमारे जेंडर से रिलेटेड है सेक्शुअल ओरियंटेशन से रिलेटेड है और एबिलिटी से रिलेटेड है या अभी तो जो माहौल है आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, है ना इतनी हमने अपनी दीवारें बनाई, बनाई हैं हम ही ने बनाई है हम लोग पता नहीं कैसे बना लेते हैं तो मेरा हमेशा और मुझे लगता है बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं इस काम में अलग अलग इश्यूज पे हम काम करते हैं लेकिन एक तो ये है कि क्या हम कभी वहां पहुंचे उस उस ड्रीम के लिए वर्क करें वे वी रियली वर्क इन हारमनी वी रियली फाइंड वे टू वर्क टूगेदर डजेंट मैटर कि हम कितने हमारे में कितने अंतर हैं हम प्यार मोहब्बत हार्मनी पीस उसको सामने हम रख सकते हैं और इस प्यार से हम लोग इक्वालिटी जस्टिस और लिबर्टी की बातें और यू you नो know, वो बढ़ेगा प्यार तो उससे फिर हम सब कुछ आगे बढ़ाएं तो रियली दीस आर कोर टू मी वेरी ट्रू वेरी ट्रू इट्स अ टफ वन लैंग्वेज ऑफ लव इन टुडेज डे ऑफ इंटोलरेंस ये बहुत बहुत uh, कठिन है लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल वे में अपना सपना आगे बढ़ा रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अगर uh, मेरा एक मिनट मेरा वीडियो ऑफ हो गया है क्या कैन कैन सी सी यू अच्छा ओके सो okay. yeah. okay. uh, okay. so, uh, जीवन में बहुत कुछ यू नो नथिंग इज इजी टू अचीव बहुत कुछ इट्स वेरी टफ लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं बहुत कुछ मुश्किलें आती हैं। आ, हर कोई को यू नो सबको ये सफलता आपकी दिखती है आपके पुरस्कार आपके अवॉर्ड आपके जो अचीवमेंट्स है अब अब सबको वो दिख रहा है लेकिन इसके इसको हासिल करने के इतना इसको हासिल करना इतना आसान नहीं रहा होगा और आपके द्वारा जो इतने संघर्ष जो आप किए गए आपने उनको कोई नहीं जानता सो so, आपके दो तीन जो सबसे कठिन निर्णय या चॉइसेस रहे हो जिन पर आप अगर आपको मतलब आप आप सोचो तो आपको बहुत गर्व होता है कि अच्छा ये मैंने इतने टफ चॉइसेस थे उस समय के दोस वर नॉट इजी इजी चॉइसेस टू मेक ऑन दोस डेज बट यू स्टिल डिड इट एंड आपको उन पे बहुत प्राउड और बहुत गर्व फील होता है कैन यू शेयर लिटिल बिट अबाउट दोस चॉइसेस यू मेड अह ओके अ आई थिंक बहुत सी अजीब अजीब चॉइसेस लिए हैं तो जिंदगी में और पता नहीं उस समय कैसे ले ली और बाद में उसको सोचते हो तो कभी लगता है पागल थे फिर कभी लगता है कि फिर धीरे-धीरे चलता है जब जब बात सेटल हो जाती है तब लगता है वो वेरी गुड चॉइस सो मोस्ट ऑफ दीस थिंग्स मेनी थिंग्स इन लाइफ हैपन या तो आप सही समय पे हो या आप कुछ कर रहे हो और हो सकता है आप भी कुछ अपनी Uh, मतलब हम लोग सब अपने कैरेक्टर और पर्सनालिटी को जोड़ते हैं किसी तरह अपने अनुभवों से तो कुछ हो रहा होता है और कुछ हम उसमें डाल रहे होते हैं तो क्लियर नहीं होता मिस्टेक क्या है लर्निंग क्या है चैलेंज uh, क्या है और हाइंडसाइट में एट दिस यू लुक एवरीथिंग सॉफ्ट यू नो यू 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 कोप यू फिगर इट आउट लेकिन मैं uh, शायद एक uh, कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं uh, uh, एक तो uh, ये प्रवाह के मतलब मेरे काम से शुरू होने से पहले जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था आई थिंक uh, जब एच आर uh, uh, में ह्यूमन रिसोर्स में मैं सेकंड uh, लेवल uh, पे थी uh, एक कंपनी में और बहुत अच्छे मेरे सुपरवाइजर थे uh, उनको मैं बहुत लुकअप करती हूँ बहुत कुछ सीखा तो मुझे बहुत मजा आता था वो काम में आई मेरा बाय नेचर आई एम एन एचआर पर्सन एक्चुअली कोई मुझे पूछता है ना एचआर का शब्द भी आजकल ह्यूमन रिसोर्स आउटडेटेड है बट आई एम बेसिकली अ ह्यूमन डेवलपमेंट काइंड ऑफ पर्सन सो मुझे वो काम वो प्रोफेशन लोगों के बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनका ख्याल रखना उनके लिए पॉलिसीज बनाना प्रोसेस बहुत मजा आता था तो रिक्रूटमेंट के मामले में आ, एक दिन हम लोग बैठे थे ऑफिस में दोनों एचआर के बंदे और रोज मिलते थे मॉर्निंग कप चाय हो रही थी आज क्या करना है प्लानिंग हो रही थी अचानक हमने न्यूज हमारे टेबल पे आया तो हमने न्यूज खोला तो उसमें न्यूज में देखा एक रिक्रूटमेंट एड एचआर में हम थोड़े कॉम्पिटिशन कौ, कौ, को देखते हैं ना वो कैसी एड्स निकालते हैं और हम ऐसी एड्स तो हमने देखा ओ हमारी कंपनी की रिक्रूटमेंट एड पहले तो वही अजीब सी बात थी क्योंकि रिक्रूटमेंट एड हमारे थ्रू होती थी लेकिन वो सडनली हमने कहा ओ हमारी कंपनी की कैसे रिक्रूटमेंट आज चली गई हम हमने तो इसमें कुछ करा नहीं है चार। फिर हमने जब उसको पढ़ा तो उसमें एक पोजीशन था चेन्नई के लिए और वो एडवर्टीजमेंट में लिखा था वांटेड ओनली मेल फॉर दिस पोजीशन ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट मतलब हमें केवल आदमी चाहिए इस पोजीशन के लिए सो दिस पोजीशन औरतों के लिए आई मीन इट्स नॉट ओपन इट्स ओनली फॉर मेन Hmm. Uh, ये देख के दिस इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स अगो हाँ बहुत साल मतलब मैं जस्ट uh, post, मतलब मैं ना ट्वेंटी मे बी ट्वेंटी टू और समथिंग असिस्टेंट मैनेजर थी तो मैंने कहा ये 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 देख के uh, मुझे लगा ये तो बड़ी अजीब चीज है दिस इज नॉट ऑन मतलब ये uh, बिल्कुल खिलाफ है यू नो जेंडर स्टीरोपिंग है और जेंडर राइट्स uh, के खिलाफ है ये कैसे हो रहा है So, उस समय मैंने अपने बॉस को बोला ये तो नहीं what is this? हमने तो ये एडवर्टीज नहीं डाली डाल दी थी हमारे बिना क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमारे थ्रू जाती ये नहीं जाता अलाउड नहीं होता तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा ये मैं आई विल नॉट स्टैंड फॉर दिस मुझे मुझे लगा कोई नहीं इस पे पोजिशन लेगा मैं जाके सीईओ से बात करती हूँ तो जब मैंने सीईओ से बात करी तो मैं चली गई उनकी ऑफिस में मैंने कहा सर दिस ये तो उस समय सर्वर भी होता था बहुत हम बिल्कुल जूनियर मोस्ट मैंने कहा सर दिस इज हैव यू पुट आउट दिस आर्ट आपने करी ये नहीं ये मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए this. This uh, uh, our, policy, against society, against तो फिर बहस शुरू हो गई और सीईओ ने मुझे उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल दिया बोला कि नहीं वी विल नॉट दिस इज फाइन यू डोंट अंडरस्टैंड ये काम औरतें नहीं कर सकती हैं तो मैंने कहा हम लोग क्या रोज जब हम 12 घंटे काम करते हैं आप लोग आप देखते नहीं हो कि हम लोग क्या करते हैं सो आई सेड वी आर ऑल वर्किंग लाइक बडी तो आप तो ये डिविजन कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सो so, बड़ी लड़ाई होगी उसी दिन आई I मीन mean, उसी दिन लाइक आई आई जस्ट गेव माई रेजिग्नेशन

और फिर मैं, मैंने जल्दी में सब कर लिया तो मुझे लगा वो एक बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि हाउ डू डील विद दिस हाउ डू डील विद पीपल इन पावर जो अपनी और अपना पोजिशन जमा के ऐसी डिसीशन ले रहे हैं जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है तो और मैं उसको हैंडसेट में देखती हूँ उस समय तो मैंने कर दिया और कुछ लोगों ने कहा वेरी गुड वेरी गुड बड़े बड़ा यू नो वेरी ब्रेव एंड ऑल बट एक्चुअली मुझे लगा बड़ा लेटर मुझे लगा बड़ा स्टूप मतलब इट वाजंट द बेस्ट आई फेल्ट आई शुड हैव स्टेयड आई शुड हैव नेगोशिएटेड आई शुड हैव मतलब मैं को वहां अपना पोजीशन लेके बातचीत करके इन्फ्लुएंस बना के बदलाव लाना चाहिए था बस ऐसे छोड़ के निकल जाना मुझे लगा आई I मीन mean, कुछ भी हो सकता है मैं सोचती हूँ एक लेवल पे ठीक भी था बट एक लेवल पे मुझे लगता है कोई और तरीका भी होता है सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स So it's one of those challenging times. I still don't know whether it was the right decision or the wrong decision, but it's okay. <laughs> I hope I hope men samja. I mean, it was clear what I said. I don't yeah? yeah yeah definitely. But at least you're proud of that decision. How you handled it is different. Yeah. But in retrospect, you reflect maybe you could have handled it differently. But at least yeah. you stood by your ground. You were proud. You're proud. Yeah. Those were your.

You know, वो धीरे धीरे आप फिर बिल्ड करते हो अरे ये सब हो रहा है समाज में अब इसके अगेंस्ट तो आपको कुछ करना पड़ेगा तो right. हो सकता है इधर नहीं कर पाए तो कहीं और करोगे बट right. करोगे थैंक यू सो एनी अदर चॉइसिंग सो वेरी सिंपल चॉइस एंड यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं शायद मेरे को शायद आइडेंटिफाई करेंगे यंगस्टर्स ओल्डर्स सभी लोग

मैं बोलने लगी कि मैं फिजिक्स करूंगी और मैं एस्ट्रोफिजिक्स बनूंगी बस ऐसे ही। so, okay. नाउ Delhi यूनिवर्सिटी में पहुंच गए मैंने physics ले लिया तो hmm. so, uh, उस समय कोई पूछता तो मेरे ड्रीम्स तो कुछ और ही थे ना तो मैंने फिजिक्स ले लिया लेकिन विद इन वन ईयर और विद इन द सेकेंड ईन वन पेपर में मुझे फोर ऑन फिफ्टी मिला दिस इज um, uh, was the फोर ever फिफ्टी got इन माई लाइफ तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगा कि यार क्योंकि मुझे actually वो subject समझ ही नहीं आ रहा था मुझे actually कुछ भी नहीं समझ आ रहा था डेली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हम लोग रट्टे मार के पास हो जाते थे so, suddenly, uh, realizing, oh, ये क्या मतलब कुछ नहीं अब क्या करेंगे सो समहा क्लियर तो कर लिया सो दैट वॉज आई थिंक हम लोग काफी लोग ऐसे ले लेते हैं हमें लगता है ओ फिजिक्स कितना सुंदर सब्जेक्ट है टेल यू अबाउट द वर्ल्ड बट व्हेन यू एक्चुअली गेट इट टू द यूनिवर्सिटी यू रियलाइज इट्स समथिंग दैट एटलीस्ट आई कुड नॉट हैंडल उस समय पे मेरे को एक आ, मैं सोच रही थी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करूं बिकॉज़ एमएससी फिजिक्स तो गया अह uh, मेरा आईडिया था इर्मा में जाएं uh, लेकिन उस 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 पीरियड में कुछ इर्मा का ऐसा हो गया था कि उन्होंने आई आई थिंक थिंक साल के लिए वो program, वो प्रोग्राम कुछ कुछ कर दिया था था या कुछ तो एक दोस्त मिला और उन्होंने मुझे बोला फिजिक्स you know, नहीं करना मुझे पता मेरे को आगे नहीं पता मुझे क्या करना है अब सो so पढ़ता था जस्ट पास आउट एक्सलर आई कॉलेज है जमशेदपुर में मैनेजमेंट एच आर की बहुत अच्छी कहाँ अप्लाई कर लो मुझे मजा आया ये कोर्स करने में लो बिना सोचे चलो पेपर दे देते हैं मैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी पेपर लिख रही थी सिक्किम यूनिवर्सिटी में जोग्राफी का भी पेपर लिख रही थी आई वॉज लाइक सो ओपन दैट आई डू एनी थे

not pride actually it was sorry it, i just shift i think i have not answered your question but it's about a decision and wo i i'm just very proud of having been in that institute wahan se jo humne sikha jo log hame mile जिस तरह के हमारे professors थे जिस माहौल में थे हम झारखंड में थे उस समय जब झारखंड बना नहीं था हा? So when the whole uh, tribal movement was also on. i'm really happy that that happened in my life. it was a big change for me to learn stuff. actually, you know, the thing you, you, you're proud of that fact that you are open to trying various things and that probably because you were open to trying that and that led you to the place you are now because you that connect with humans started the social sector and all of that.

Uh, uh, मुझे लगता है मैं बहुत लक्की हूँ uh, मेरे फादर मुस्लिम थे और अभी नहीं रहे और मेरी मम जैन है हा? गुजराती दोनों बाय द वे बहुत सारे यहाँ लोग गुजरात के होंगे मम्मी कच्छ की हैं और फादर uh, uh, वरेड़िया एक विलेज है भरूच uh, में और दोनों बॉम्बे में रहते थे उनकी लव मैरिज हुई थी एंड इन दो लाइक टू बी आई थिंक

इट हेज गिटिटी ओपन कुछ भी बन सकते हैं हम है ना कोई मुझसे पूछता है तुम कौन हो हिंदू हो या मुस्लिम हो तो मैं दोनों भी हो सकती हूँ मैं कुछ और भी हो सकती हूँ मैं जैन भी हो सकती हूँ मैं और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हो सकती तो यू कैन बी एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम सो दिस आइडिया ऑफ ऑल आइडेंटिटीज एंड इवन नो आइडेंटिटी वट इज ईगो So, uh, I think वो सब मुझे उस तरह से uh, समझने का छोटी छोटी बातों में मौका घर से मिला है uh, साथ साथ स्कूल भी हमारी क्रिश्चियन स्कूल थी कैथलिक स्कूल थी मैटेडे में थे बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूल थी uh, जहां आपको कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि यू नो दर इज सम रिलीजियस थिंगिंग हाँ तो मतलब रिलीजियस ओरियंटेशन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए बट दिज वॉर सेक्यूलर स्पेसेस आल्सो तो मुझे लगता है ये जगहों से मुझे बचपन में घर से स्कूल से काफी कुछ ये आइडेंटिटी के मामले में बहुत कुछ सीखने को मिला तोड़ने का भी और जोड़ने का भी सो आपका जो सफर जॉयफुल प्रोसेस वीकेंड वन पॉइंट एंड देन यू यूज टू वॉल्टियर फॉर यू थ्रू दैट जर्नी सफर रहा है वो आपने जॉब छोड़ के फिर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी उस पूरे दौरान का जो जॉयफुल सफर रहा है उसमें बहुत से टफ कठिनाइयां भी आई होंगी इट्स नॉट ईजी बहुत उलझने हुई होंगी आपकी so what pushed you finally uh, and how did you handle all those insecurities during that process ओके okay, मुझे पता नहीं मैं इस इसको आप thank you भाई मतलब क्वेश्चन के लिए आ, आ, इसको कितनी डिटेल में बोलना है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दू हम यहाँ कैसे पहुंचे yes. लाइक like, ये काम में कैसे yes. Awesome. पहुंचे ना शायद yes, लोगों को कॉन्टेक्स नहीं पता होगा तो uh, हम लोग uh, बच्चे हैं जब हम बच्चे थे आई डोंट कैन रिमेम्बर टेंथ और इलेवेंथ हम वो बच्चे हैं जो 1984 राइट्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं हाँ hmm. uh, इंदिरा गांधी के असासिनेशन के बाद कुछ लोग यहाँ पे हैं बहुत ही यंग हैं यहाँ पे तो एसोसिएशन कम होगा बट देवर देर वाज एन अटैक ऑन सीक्स इन दिल्ली मतलब हर जगह हुआ होगा बट दिल्ली में बहुत ही गहरा उस समय अटैक था सिखों के घरों में अटैक किया गया कि इट वाज अ इट वाज अ प्लानड सॉर्ट ऑफ अटैक एंड हम लोग साउथ uh, दिल्ली uh, में रहते थे वहां पे बहुत सीरियस अटैक था बिकॉज़ बहुत सारे वहां uh, सिखों के घर थे और uh, गुरुद्वारे भी थे बहुत सारी जगहें जलाई गई थी और एक्चुअली हमारे आसपास वी कुड सी द स्मोक अगर आप छत पे जाते हो तो आप देखते हो हाँ तो हम लोग बत... मतलब वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक सा एक्सपीरियंस है जो मुझे हमेशा याद आता है और उस माहौल में फादर यू नो वो ही वाज़ मुस्लिम रात को जाते थे हॉकी स्टिक लेकर और खड़े रहते थे हमारे दोस्तों जो नेबरहुड में दोस्त थे सिखों के घर थे माँ खड़े रहते थे hmm. अपने दूसरे दोस्तों के साथ और वो कहते थे मैं देखूंगा कि कोई नहीं हाथ उठा, उठा पाएगा आ, जब सारे मॉबस्टर्स आते थे ना हम हम लोग जानते हैं क्या होता है इन माहौलों में सो so, uh, हमारे लिए वो बहुत डरावने सिचुएशन थी एज बच्चे हैं आप नो जब आपके पेरेंट्स जाते हैं तो आप सोचते हो अच्छा अब आएंगे या नहीं घर वापस वो फीलिंग जो रहती है फियर की और फिर uh, uh, मुझे लगता है वो हमें बहुत uh, उसके साथ फियर भी था उसके साथ करेज भी था टू सी That people, आप कोई भी कोई भी हर व्यक्ति जो अच्छा इंसान है वो जाके दूसरे व्यक्ति के सामने सारी बाउंड्री तोड़ के मदद करने के लिए हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है तो वो देख के हम मैं बहुत इंस्पायर रही हूँ नो के एंड तब मुझे लगा हाँ वी हैव टू डू दिस वी है एवरीबडी एवरीबडी हैजू डू दिस फॉर एवरी तो ये कुछ हमारे शुरुआती एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं कहीं ये हमें इफेक्ट करें uh, तो ये रहा था 84 में और फिर जब अः नाइनटीन 90 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन 92 में जब डेमोलिशन हुआ था उसके बाद भी हर जगह रायट्स हुए थे काफी जगहों पे उस समय हमें लगा कि हमको कुछ करना है हम चाहते हैं कि ये जो हेट है लोगों में ये घृणा ये हेट और ये जो प्लान्ड अटैक्स हो जाते हैं मॉब्स बन जाते हैं दोनों लोगों का दिमाग लोग सोचते नहीं है कि क्या हो रहा है बस यू you नो know, भीड़ में चल पड़े और वो भीड़ किसने जमाई किस यू नो you know, वो वो सब वो हम चाह रहे थे कि हम क्या करेंगे और हम उस समय कॉर्पोरेट सेक्टर में थे हा? कुछ दोस्त सो so, मैं अर्जुन मीनू तीनों हम लोग साथ में रहे हैं एक कंपनी में काम करते थे uh, अर्जुन मेरे साथ पढ़े भी हैं मेरे कॉलेज में ही इज ऑल्सो माई हजब Uh, so हम लोग साथ पढ़ते थे एक्सलारा में हम तीनों को लगा हमको कुछ करना है मगर हम बहुत बहुत उत, uh, दिल में कुछ थाचुअली एंड लाइफ विल गो ऑन हमको एक्चुअली जिंदगी में कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं जब आप एक लेवल के होते हैं ना प्रिवलेज यूथ है आपके पास एक एडुकेशन है आपको एक्चुअली कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना आपकी तो करियर बन ही गई लेकिन ये सब देख के हमें लगा कि हम यही करते रहेंगे हम कुछ इन चीजों के बारे में करेंगे नहीं तो तब हमने डिसाइड किया हम वीकेंड्स पे स्कूल हम हमारे दायरे में जो बन सकता है हम करेंगे एंड तब हमने नहीं सोचा था हम जॉब छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे नहीं हमने कहा वीकेंड में जाके हम जो कर सके हम युवाओं के साथ बात करेंगे तब हमने वो वर्कशॉप शुरू करी थी जिसका नाम था पॉजिटिव मी वर्कशॉप फिर वो वर्कशॉप बन गई फ्रॉम मी टू वी और क्योंकि हम ट्रेनर्स और फैसिलिटेटर्स थे तो हमारे लिए वो काम हमें क्लियर था कि ये काम हम कर सकते हैं हमें क्या टैलेंट है ये भी हमने बात करी हम कुछ भी नहीं करने लगे हमने सोचा कि हमारे में क्या क्षमता है हमारी क्या हिम्मत है तो हम क्या दे सकते हैं दुनिया को तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम फैसिलिटेट करेंगे वर्कशॉप्स करेंगे क्योंकि हमारा टैलेंट है और तब ये शुरू हुआ वॉलन्टियरिंग वर्क दो साल में एक में क्या हुआ एक वर्कशॉप के बाद तो अरे तो फिर, किसी ने कहा कोई एनजीओ वाले थे हम तो एनजीओ वाले थे हमको sort of पता भी नहीं था एनजीओ कैसे क्या होता है सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आस वॉज पार्ट ऑफ दिस में थी उन्होंने कहा आप एनजीओ क्यों नहीं खड़ा करते हमने काम को नहीं कुछ खड़ा करना है नो बट uh, इतना काम हो गया शी uh, uh, शी सिर्फ ये पार्ट टाइम नहीं चलेगा आप पार्ट टाइम कब करो कब तक करोगे फिर आप अगर सच्ची में बदलाव लाना चाहते हो तो पूरी तरह करो ना तो mm. तो तब हमने सोचा कि दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ओके लेट मी ट्राई फिर मैंने अपना जॉब उससे छोड़ दिया एंड देन वी सेड ओके वी विल डू दिस फॉर 2 इयर्स ट्राई करेंगे अगर सही चले अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं अगर हमें मजा भी आ रहा है लाइक कुछ हम सीख रहे हैं ये केवल समाज के बारे में नहीं है मतलब वो जो पावर ऑफ माइंड जो हम कहते हैं वो एक बंदा भी नहीं है बहुत सारे बंदे और वो समाज के बारे में नहीं है ये ऑल्सो हम सब हमने भी देखा कि हम इसमें सीख रहे हैं या नहीं अगर मान लो हम नहीं सीख रहे होते तो हम शायद ये काम नहीं करते कंटिन्यू तुम हमें लगा कि हमें लगा हम दो साल करेंगे अगर ठीक चला अगर हमें लगा इसमें मतलब है हम डिफरेंस कर रहे हैं हमें भी डिफरेंस हो रहा है तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे सो दैट वाज अब एक्चुअली अ बिग रिस्क लाइक जब हमने डिसाइड किया तो काफी सारे पेरेंट्स ने कहा क्या कर रहे हो इसने क्या बट लकी किसी uh, ऐसे माहौल में हम हम लक की बहुत है मैं सच्ची में कह रही हूँ लक आई डोंड ऑन लक बट आई नो आई बीन लकी एंड लक इज ऑल्सोज नो सो इट्स नॉट एवरीबडी हैजैट बट मेरे फादर ने कहा था कि आप कर लो जो भी कर लो डोंट वरी अबाउट द मनी डोंट वरी अबाउट योर सैलरी डू वॉट यू लाइक डू वॉट यूर पैशनेट अबाउट जो आपका पावर ऑफ मन का लाइन है अब वो कर लो और अपने आप धीरे धीरे रास्ते निकलते जाएंगे एंड दैट्स वॉट हैपन thank you luck favors the brave like they say so <laughs> as long as you continue to do what you're passionate about luck always is one byproduct of it but uh, you took those brave strong decisions भी क्योंकि मुझे लगता है इस कमरे में भी हम सबके पास टाइम आया है जब हमें कुछ ऐसा करना पड़ा है hmm. जो आस पास के तुम्हारे दोस्त कहेंगे तुम पागल हो है ना कोई ना कोई फैमिली कहेगा ये क्या है बकवास कर रहे हो है नो मतलब मेरे साथ Exactly experience है बट मेरे काफी छूट गए इस इस change में बहुत सारे ने सोचा कि हम ये क्या मतलब पागल है corporate sector छोड़ के, ये क्या पॉलिटिक्स तो मतलब, हर चीज है पर ये तो हमारा दिल का काम है किसी को सम, काफी लोगों को समझ नहीं आता है लेकिन कर लेना चाहिए ट्राई तो करना चाहिए और ये डिसाइड करके मैं यहाँ पे इतने सारे यंगस्टर्स हैं मैं ये भी बोलना चाहता हूँ ये ये हमने बोला था कि हम ट्राई करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट है यू नो गांधी हैज नो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ आई थिंक वन थिंग गांधी जी से लर्न करना है कि खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने जरूरी हैं उसी से हम सीखेंगे कि ये चलेगा और नहीं चलेगा तो फिर तो योर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे सो इट्स द एटीट्यूड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग देन वी विल सी या या सो आपने जो आंसर दिया कि लाइक like, यू Took the risk आप कॉर्पोरेट सेक्टर में थे जॉब थी MBA किया था सो तो पे हर एक इंडियन पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर या एम करे अच्छी यूनिवर्सिटी से तो लाइफ सेट है राइट <laughs> तो बहुत सारे अभी पेरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं कि जिन जो स्ट्रगल कर रहे होंगे जिनको एक तरफ होगा कि पैशन है मुझे करना है सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर होगा तो आपने खुद तो ये बैरियर क्रॉस किया लेकिन आपने कम्युनिटी और प्रवाह के जरिए बहुत सारे यूथ के साथ काम किया था सो so, उनकी जिंदगी में भी सेम प्रॉब्लम आया होगा उनके भी पेरेंट्स यही बोलते होंगे कि आप पागल हो आपको पता नहीं चलता ब्रेन वॉश किया गया द टर्म उन्होंने यूज किया होगा राइट right? तो आपने ये पैराडाइम कैसे चेंज किया जो यूथ के साथ आपने काम किया है खास तौर पे उनको आपने कैसे हेल्प की ये चॉइस लेने में ये पैराडाइम शिफ्ट करने में Uh, तो हम लोग बहुत ही प्यारा सवाल है जे और मुझे लगता है आप भी ये सब काम करते हैं तो ये okay, के लिए हम सब ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो आपसे ये इसीलिए जानना चाहेंगे और मुझे पता है ओ पे यही इसी चीज पे और ये तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है कि कैसे हम युवाओं क्योंकि युवाओं का भी जनरेशन बदलता जा रहा है जब हम यूथ थे तब समाज कुछ और था जब आप लोग यूथ है समाज कुछ और है वो भी एक है ना वो भी सोचने की बात है कि लाइफ इज इज चेंज सो मच एक्सपीरियंस नाउ नॉट रियली टू योर यूथ एक्सपीरियंस बट हाँ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम जोड़ सकते हैं और uh, 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 इसलिए जैसे मैं अभी डायरेक्टली युवाओं के साथ नहीं काम करती हमारे जो सिस्टम में सारे हैं जनरेशन ऑफ लीडर्स हैं जैसे आपका हंड्रेड ईयर ट्रांजिशन चल रहा है हमारे यहाँ पे भी ट्रांजिशन चलता गया है मतलब मैं संस्थाओं से तो जुड़ी हुई हूँ बट अभी मैंने दस बीस साल से एटलीस्ट दस साल से प्रवा में ऐसे सीरियस लीडरशिप ली ही नहीं है यू नो आई एम देयर आई एम अवेलेबल बट आई एम नॉट तो उधर यंग यंग फैसिलिटेटर्स हैं कम्युनिटी में पूरे नए फैसिलिटेटर्स हैं वो लीड करते हैं क्योंकि युवाओं की जो संदर्भ है वो वो हाँ हम लोग भी समझ सकते हैं बट जो उनके करीब थोड़े यंगर लोग हैं वो ज्यादा बेहतर से वो भाषा समझ सकते हैं लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स मैं बता सकती हूँ कि काम कैसे हम लोग करते हैं अभी हम मतलब जो लोग कर रहे हैं मतलब मैं शायद डायरेक्टली नहीं बट जो ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी में हैं जैसे प्रवाह है प्रांतकता है फार्म टू फूड है बहुत सारी सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजेशन अग्रिनी अलग अलग जगह पे आ, तो मैं ये अलग अलग क्यों बताना चाह रही हूँ कि ये लोग कहते हैं कि नहीं आप केवल अर्बन युवाओं की बात कर रहे हैं या केवल एलिट युवाओं की बात कर रहे हैं मैं नहीं मैं कम्युनिटी में हम देखते हैं सब टाइप के युवाओं के साथ बात करते हैं हम जो गांव में भी हैं शहर में भी हैं अलग अलग कस्बों में हैं अलग अलग बाउंड्रीज uh, डाइवर्सिटी से आते हैं सो आई इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट के युवाओं में क्षमता कैसे बढ़ाएं और हम इसमें युवाओं को युवाओं के साथ जो काम करते हैं हम स्पेस की बात करते हैं के, ये आइडिया समझे स्पेस यूथ स्पेस क्या है और हमारा मैं दो मिनट ले लू कॉन्सेप्ट बता सो सो वी टॉक अबाउट दिस आइडिया दैट हर एवरी यंग पर्सन टिपिकली ऑक्यूपाइज फोर स्पेसेस अगर मैं अगर इंटरक्टिव होता तो मैं आपसे पूछती मे बी चैट पे लोग डाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम यंगस्टर्स अगर आप लोग चैट यूज कर सकते हैं एवरीवन कैन यूज चैट ना yeah. yes, है ना तो so, आप चैट में डालिए कि सबसे ज्यादा समय और सबसे अहम जगह स्पेस ऑफ यंग पर्सन कहाँ है मतलब वो कहाँ अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो स्पेस क्या है जैसे पहली एक स्पेस होगी फैमिली है ना फैमिली एक स्पेस मान लीजिए एक स्पेस है ऐसी और कौन सी स्पेसेस हैं जहां यंगस्टर्स सबसे ज्यादा अपना समय स्पेंड करते हैं हाँ वेरी गुड सोशल मीडिया स्टडी प्लेस स्कूल मेरा रूम फ्रेंड्स फ्रेंड्स और कोई सब लोग अपने दिल से डाल दो कुछ भी जो आपको लगता है स्पोर्ट्स का प्लेस हाँ स्कूल स्टडी ओके सो लवली

इसमें रूल्स कौन सेट करता है रूल्स इसके इसके जो आ, हाँ ये जगहों के रूल्स कौन सेट करता है कोई आप टाइप करिए आपके घर पे कौन रूल सेट करता है <laughs> सोसाइटी कह रही है हाँ वो भी सही है सेल्फ? सेल्फ अच्छा सोवित कह रहा है सेल्फ वेरी गुड कृष्णा कह रही पापा पीयूष कह रहे डैडी सो

तो एक तो ये हमारा स्कूल अगर आप स्कूल कॉलेज देख लो वहां तो आपको नहीं बताया जा, जाता ना कि क्या होना चाहिए आपको टीचर कैसी होनी चाहिए आपकी हमें हमें थोड़ा कोई पूछता है सो इफ यू लुक एट स्कूल कॉलेज इवन फ्रेंड्स फ्रेंड्स की स्पेस में आपको लगता है कि आप रूल सेट करते हो किसी को लगता है कि हम खुद रूल सेट करते हैं यस मजाज सोसाइटी नो कह रहे नो अच्छा तो आप लोग क्योंकि बात नहीं कर सकते अगर आप टाइप करना चाहो तो चाहो बट आई लव टू हियर जो नो no कह रहे हैं क्यों और मैं आपको शेयर कर सकती हूं, कि फ्रेंड्स की स्पेस में हम समझते हैं कि हम सेट कर रहे हैं रूल क्योंकि सब हम दोस्ती तो है बट बहुत सारा इन्फ्लुएंस समाज से आ रहा है जो पिक्चर हम देखेंगे जो खाना हम खाएंगे जो फैशन हम करेंगे जो हेयर कट करेंगे ये सब कुछ कुछ आ, या तो कुछ फ्रेंड के ग्रुप में भी कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है है ना तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ क्योंकि दस फ्रेंड जा रहे हैं अच्छा मैं अलग तो हो नहीं सकती सो वेरी स्वीट वेरी ब्यूटिफुल थैंक यू एवरीटन रूल देर आर ऑल्सोर्स है ना सो सॉरी लंबा आंसर दे रही हूँ आपके जे आपके क्वेश्चन का लेकिन अगर हम ये फ्रेंड्स की भी जगह देखें और अगर हम सोसाइट लेजर और एंटरटेनमेंट की वो मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है

और पेट्रियार्की भी है है ना पितृसत्ता भी है तो आ, ये जो आप हम लोग प्रेशर फील करते हैं वो हमारे समाज में है और इसको कैसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं दो तीन तरीके हम लोग अपने प्रोसेस में करते हैं पहले तो आ, थोड़ा सा ऐसी जगह बनाएं जहां यंग पर्सन इसको हम कहते हैं फिफ्थ स्पेस तो ये चार स्पेसेस हैं जहां पे रूल्स मोस्टली कोई और सेट करता है हर यूथ को जरूरी है कि वो खुद अपने लिए एक फिफ्थ स्पेस बनाए हाँ अब वो फिफ्थ स्पेस घर पे भी हो सकती है जरूरी नहीं हर घर के बाहर ही हो घर पे भी उस पर ये दिमाग में आ जाए कि मुझे एक स्पेस अपने लिए भी चाहिए जहां मैं खुद डिसीशन ले पाऊ मैं खुद अपनों को समझ पाऊं और मैं एक जर्नी में जाऊं ये जो आप देख रहे थे ना फिल्म में ये एक जर्नी है अपनी फिफ्थ स्पेस ढूंढने की मैं कौन हूँ और ये समाज कौन है मेरा क्या इसमें मीनिंग है फाइंड आउट कि मेरा पर्पस क्या है है ना और वो कोई फिलोसॉफिकल पर्पस होने की जरूरत नहीं मैं कोई मतलब uh, नहीं, तो वो जगह हम उसकी बात करते हैं और हम हमारा मानना है जय के हमें जरूरी है कि फिर युवाओं को थोड़ा सा टाइम अलग नए दोस्तों के साथ पुराने दोस्त नहीं नए लोगों के साथ मिले एक नए माहौल में मिले एक जगह जो वो नहीं पहचानते हो ताकि उनको नया पूरी तरह से सीखने का एक नया मौका मिले और वो जगह में वो अपना खुद का थोड़ा सा स्पेस खुद क्रिएट करें, रूल्स अपने बनाए तो ये एक्सपेरिमेंट की तो वो घर तो से जुड़े हैं स्कूल से भी जुड़े हैं पर उनको एक थोड़ा सा एक जर्नी एक एडवेंचर एक फ्रीडम का स्पेस मिले और वहां से वो जब घर वापस आते हैं कैंप से या कोई वर्कशॉप से या कोई जर्नी से तो वो वो थोड़ा सा आ, आ, इस तरह से आते कि वो समझते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ भी कैसे डायलॉग करें लड़ाई केवल रिबेलियन नहीं है ना वो तो वो भी कभी-कभी हम लोग एज यंगस्टर्स रिएक्ट कर लेते हैं सो दे आल्सो लर्न हाउ टू नेगोशिएट देमसेल्व्स एंड द अदर पीपल अराउंड देम तो टू एक्सपेक्ट के एल्डर्स हमारी तरफ से बदलेंगे वो थोड़ा मुश्किल है हमको थोड़ा बदलना है और हमको फिर जाके एल्डर्स के साथ बदलाव लाना है और वो तरीका सीखना थोड़ा जरूरी है सॉरी बहुत लंबा आंसर है बट बेसिकली इट्स अबाउट गिविंग अ अ स्पेस स्पेस क्रिएटिंग फॉर फ्रीडम हम बोलते हैं उसको मैं सॉरी लास्ट हम पांच फीलिंग्स की बात करते हैं ये ऐसा कैंप या जगह या जर्नी होनी चाहिए जहां उनको क्या एक्सपीरियंस मिले प्यार लव लर्निंग खूब सारी लर्निंग फ्रीडम जो मुश्किल है दूसरी जगहों में फ्रीडम मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो कुछ ये करो फ्रीडम ओनरशिप ओनरशिप मतलब वो खुद खुद कोई प्रयोग कर रहे हैं चाहे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं चाहे कोई जर्नी बना रहे हैं चाहे कोई बातें कर रहे हैं वो खुद करें और सोशल uh, हो uh, और वो फिफ्थ फीलिंग है तो ये पांच अगर फीलिंग्स हम लोग ऐसा स्पेस बनाए फिफ्थ स्पेस पीपल विल लर्न हाउ टू नेगोशिएट द फैमिलीज

किस तरह से करें वो सीखने की जरूरत हमको है और समाज को सिखाने की जरूरत है थैंक्स थैंक यू इट्स आई मीन सभी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा कि यानी आपने बोला ना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है तो दे हैव टू फाइंड देयर ओन स्पेस दे हैव टू फाइंड देयर ओन आइडेंटिटी सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट आई थिंक दे फाइंड देयर सेल्फ in that space that you create for them thank you so much for answering this question i think many of them will be helped by